हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बच्चों बताइएगा। जैसा कि आज से देख पा रहे हैं बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर अपने 12 की बात कर रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी ने इसका पार्ट वन बच्चों देख लिया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक बात करी। ये है 12.1 का पार्ट टू, और पार्ट टू में जो है बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर कहां तक बात करेंगे बच्चों, 9 तक बात करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 उसको आइए हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का ये 6। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 6। तो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे कि क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि ए मेडिसिन कैप्सूल, क्या है बच्चों, एक मेडिसिन कैप्सूल है क्या, एक मेडिसिन कैप्सूल है बच्चों। चलिए जी ठीक है, मेडिसिन कैप्सूल हो गया। और ये जो मेडिसिन बच्चों कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, कौन सी शेप में बच्चों, ये सिलेंडर की शेप में है। चलिए जी ठीक है, सिलेंडर की शेप में है ये। आगे कहा गया है बच्चों, चलिए डायग्राम सभी बना लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं है या है वो आप देख लीजिएगा। यस, बुक में है, ठीक है सर, बुक में है कह रहे हैं बच्चे, तो आप लोग अपनी बुक से बना सकते हैं। और हम इसको आइए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और क्या कहा गया, और कहा गया है हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। देखिए एक क्या है बच्चों, एक तरह से मान लीजिए सिलेंडर है, और इसके दोनों तरफ क्या बच्चों, हेमिस्फीयर, देखो इस तरीके से, ठीक है। और क्या क्या कहा गया उसको ध्यान से देखना है। कह रहा है इसकी जो लेंथ है टोटल कितनी है, 14 mm, कितनी है 14 mm, यही तो कहा गया है। और क्या कहा गया बच्चों, और यहाँ पर कहा गया है कि इसकी जो डायामीटर है कितनी है, 5 mm, डायामीटर कितनी है 5 mm। आप दोनों तरफ भी ऐसे शो कर देंगे तो अच्छा लगेगा, देखिए 5 mm बच्चों। अगर आप इसकी रेडियस की बात करें, कहाँ की बात करेंगे बच्चों, अगर रेडियस की बात करें तो कितनी हो जाएगी सर, 2.5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 2.5 हो जाएगी। देखिए इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5, देखो कैसे शो करेंगे, अंदर देखो ऐसे कर दीजिए, रेडियस यहां तक, ठीक है, ऐसे यहां कर दीजिए, ध्यान देंगे जब ये 2.5 है तो बच्चों ये भी कितनी होगी सर, ये 2.5 हो जाएगी, इतना हिस्सा क्या हो जाएगा 2.5, ऐसे इतना हिस्सा कितना हो जाएगा 2.5 mm। देखिए 2.5 ये 2.5 ये हो जाएगा ना, तो 14 में से 5 माइनस जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 9 mm, यानी ये सिलेंड्रिकल जो शेप है उसकी जो हाइट है बच्चों कितनी आ जाएगी, 9 mm आ जाएगी, यही तो क्वेश्चन है। आगे क्या कहा गया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, क्या पूछा गया है, इट्स सरफेस एरिया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, डायामीटर हमको गिविन था, क्या गिविन था बच्चों, डायामीटर, डायामीटर ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल, ईच हेमिस्फेरिकल एंड, है ना, ये तो लिखा हुआ है बुक में देख लीजिए सब, हेमिस्फेरिकल एंड्स कितना है,
5 mm। अगर आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 2.5 mm। तो रेडियस कितनी आ गई बच्चों, 2.5 mm। देखो 2.5 ये 2.5, और ऐसे देखो ये हमने कितनी हो जानी है 2.5, यहाँ तक हो जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर शो करना चाहें 2.5, ये हमने नीचे कर दिया, ठीक है ये नीचे कर दिया। अब बात आ गई, अब जब इसकी हाइट निकालेंगे किसकी बच्चों, जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, आप कैसे हाइट निकालेंगे, ठीक है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल कितनी थी, टोटल लेंथ में से जो आपका 2.5 के दो हेमिस्फेयर हैं उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ या ऐसे लिख दीजिए माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो टोटल लेंथ हो गई आपकी 14, आप हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात करें 2.5, तो 14 में से 5 जाएंगे कितना आ गया बच्चों 9 mm। ये सब हमने पहले यहाँ पर शो कर दिया, तो बच्चों h की वैल्यू भी आपकी आ गई, h की वैल्यू भी आपकी क्या है बच्चों पहले ही आ चुकी। बट आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया बच्चों, सिंपल सी बात पूछी गई है, कर्व सरफेस एरिया बता दीजिए। क्या पूछा गया आपसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 6 है, 9 नहीं है, 9 तो बहुत दूर है अभी। 6 में पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल बता दीजिए, क्या बताइए, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल आपको यहाँ पर बच्चों क्या करना है, बताना है। तो चलिए भैया, सबको पता है यहाँ पर सरफेस एरिया की जब बात हम करेंगे ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, देखो वन साइड ये और वन साइड ये, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यहां तक तो सभी को बात समझ में आ गई होगी ना। CSA ऑफ हमने क्या लिखा बच्चों यहां पर, सिलेंडर, और हमने क्या लिखा बच्चों यहां पर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके कितने हेमिस्फीयर हैं, 2, देखो 1 ये और 1 उधर हो जाएगा, यानी 2 आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, हेमिस्फीयर यहां पर हो गए। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh और 2 इंटू कितना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, πr² हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ना, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr². अब यहां से क्या कर लीजिएगा, कॉमन वगैरह ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, कॉमन ले सकते हैं आप, और आराम से क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है देखो सब ध्यान से, 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा, एच प्लस 2R बचा, क्या बचेगा बच्चों, एच प्लस 2R बचा यहाँ से। आइए जी सॉल्व करते हैं आगे इसको, जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2, पाई की वैल्यू रखिए बच्चों 22/7, आर की वैल्यू रख दीजिए कितना है सर 2.5, ब्रैकेट में एच, एच की वैल्यू है सर 9, और सर यहाँ पर 2R लिखा हुआ है, क्या अंदर 2R, तो 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए सब कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितनी इजी बना सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, 22 जा हो गया 44, कितना हो जाएगा 44 अपॉन में 7, ऐसे रहने दीजिए 2.5, ऐड करिए कितना आ जाएगा, अभी रुक जाइए पहले कंप्लीट करते हैं, 9 + 5 44/7 2.5 कितना हो जाएगा सर 14, 7 × 2 = 14, 44 की 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 इंटू कितना आ गया 2.5, 88 की मल्टीप्लाई बच्चों कर दीजिए किसमें 2.5 में, 88 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें बच्चों 2.5 में, और आपका
आंसर आ जाएगा। 88 की मल्टीप्लाई सिर्फ आपको 2.5 में करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का बच्चों नोटिफिकेशन क्या है मिलता रहे। जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जो काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपने दोस्तों को जरूर लिंक शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि उन सभी को नोटिफिकेशन भी साथ साथ में मिलता रहे और वो वीडियो से देखते भी रहें क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आपको मिलेगी इससे। देखिए तो वो सब कब होगा, जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट भी आपको अच्छे से मिलेगा। तो सभी ने मल्टीप्लाई कर दी होगी, कितना आंसर आया जल्दी से एक बार बताएंगे। 220 बताया गया है आंसर, और आप लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे क्या 220 ही है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपका mm में था तो आपने सरफेस एरिया निकाला है, तो mm स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर, सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो गया 6 कंप्लीट, और हम चलेंगे अपने अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सुन लेंगे सभी ध्यान से। एक कैप्सूल था, दोनों एंड पे हेमिस्फीयर बने हुए थे, कैप्सूल की टोटल हाइट 14 mm थी, इसकी जो डायामीटर थी 5 mm, तो रेडियस 5 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया 2.5। हमने इधर 2.5 शो कर दिया, इधर भी, ठीक है। और अगर यहाँ बात करेंगे तो ये भी, जब जो हेमिस्फीयर होता है, जो स्फीयर होता है, उसकी रेडियस ही क्या होती है, उसकी हाइट होती है। तो जब 2.5 इधर, 2.5 इधर, टोटल कितना हो गया 5, तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये हिस्सा 9। तो सिलेंडर की हाइट हमको पता चल गई कितनी बच्चों, 9 mm। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल पूछा गया, हमने दोनों का CSA लगा दिया, आंसर आपका आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहीं हो जाता है कंप्लीट। हम चलेंगे अपने अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से हम बच्चों उसको देखेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जी, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 7, इसको हम कर देते हैं यहां रफ। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा इस चैप्टर से। आइए क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 7 नंबर। अगर बात करें बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन की, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, 2016 में आया हुआ है। कब आया है? 2016 में ये आया हुआ है बच्चों बोर्ड में। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका? ये 7 नंबर। चलिए जी, स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है एक टेंट है बच्चों, एक क्या है, टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। एक कोन है, एक सिलेंडर है बच्चों, और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा गया, एक कोन। देखिए हमने ये बनाया, पहले हमने क्या बनाया, आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से बनाइए। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर जो है एक कोन को माउंट किया गया है। एक कोन को क्या किया गया है, माउंट किया गया है। आगे कहा गया है इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 है। जो ये वाला पार्ट है इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 2.1 मीटर, और इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो डायामीटर है वो भी कितनी है, 4 मीटर है। बच्चा करिए 4 मीटर है या कुछ और है? यस, मीटर ही है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 4 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो कोन की रेडियस भी कितनी होगी बच्चों, 2 मीटर होगी। बात समझ में आ रही होगी सभी के, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए देखिए किसी को भी, ठीक। आगे क्या कहा गया, कह रहा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो यहां पर स्लैंट हाइट है वो कितनी है, 2.8 मीटर। चलिए जी, स्लैंट हाइट हो गई आपकी कितनी, 2.8 मीटर। अच्छा, जो ये है बच्चों इसकी हाइट भी यहाँ होती है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, देखेंगे अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिलहाल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से।
अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ 4 मीटर ऊपर क्यों नहीं शो करा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से 4 मीटर पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। भाई जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी ये रेडियस होगी। अब ऐसा तो नहीं कि इसकी 4 हो गई तो इसकी 2 हो जाएगी, नहीं, रेडियस हमेशा सेम होगी, ये ध्यान रखना है। चलो जी आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया द कैनवास यूज द मैट मेकिंग द टेंट। आपको कैनवास होता है एक तरह से तिरपाल कह दीजिए, जैसे आप अपनी गाड़ी कवर करते हैं उस तरीके से हम इसको कवर करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। भैया उसकी कॉस्ट भी बता दीजिए, कोई बात नहीं हम सी एस से निकाल लेंगे। और नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। और इसका जो बेस है ना वो कवर नहीं करना है, ये आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहली बात कर लेते जो जो चीज़ें हम लोगों को गिविन है। सबसे पहली बात डायामीटर हमको गिविन था, तो डायामीटर हमको कितना गिविन था सर 4 मीटर। बच्चों रेडियस कितनी आ जाएगी 2 × 2 = 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर। हाइट हमको पहले ही गिविन है 2.1 मीटर। कितनी गिविन है 2.1 मीटर बच्चों यहाँ पर हम लोगों को हाइट गिविन है। अच्छा थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है हाइट कौन सी, तो थोड़ा हम लिख लेते हैं ना, नहीं तो आप कंफ्यूज की हाइट कौन सी। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का मतलब है सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों 2.1 मीटर। स्लेंट हाइट आपको कितनी की भी है 2.8 मीटर। बस जी हो गया काम, और तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, रेडियस हमने फाइंड कर ली, एच हमको पता है, ये हमने यहां पर सब फाइंड कर लिया। आपसे पूछा गया था बच्चों टोटल एरिया ऑफ द, है ना, एरिया ऑफ द कैनवास पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों, एरिया ऑफ द कैनवास। चलिए जी एरिया ऑफ द कैनवास, एरिया ऑफ द कैनवास कैसे कैसे बना, देखो ध्यान से सर यहां पर सी एस ए ऑफ लगा दीजिए, किसका, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। सबको मालूम है सी एस ए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है क्या, 2πRh, जो ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है πRL। कॉमन ले लीजिएगा सर, बिल्कुल लेंगे जी, कॉमन कितना आएगा सर पाई आ गया, आर आ गया, क्या बचेगा सर 2h बचा, और प्लस में सर क्या बचेगा L, क्या बचा सर L बचा हमारा। आइए जी आगे चलते हैं, अब थोड़ा हम बच्चों पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। एल आर आर है हमारा सर 2 मीटर, सर ब्रैकेट में चलेंगे तो 2h की वैल्यू है सर 2.1, सर L है हमारा कितना 2.8। आइए 22/7 × 2, यहाँ करेंगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = कितना 4.2, प्लस में कितना बच्चों 2.8, ऐड कर दीजिए 22/7 × 2, 4 × 2 = 6 × 1 = 7, 7 × 7 कैंसिल कितना आ गया सर 44 m². ये बच्चों हमारा क्या आया, सिर्फ एरिया आया है, क्या आया है हमारा ये एरिया आया है। आपको कॉस्ट ऑफ कैनवास गिवीन है, क्या गिवीन है, कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर, तो लिख दीजिएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू 500 per m², या यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए per m² इक्वल टू 500 रुपये पर हमें कितने का चाहिए 44 m² का चाहिए, तो क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 44 m² कैनवास इक्वल्स टू ₹500 × 44। सबको पता है जब 5 की 44 में मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आएगा, 20 आपकी ये आ गए, तो कितना आ गया बच्चों आंसर 22,000 के आ गया आप लोगों का आंसर। सभी बच्चे एक बार नोट डाउन करेंगे, आंसर शीट से अपना आंसर जरूर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया बच्चों कंप्लीट 7। तो 2016 में ये बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम चलेंगे अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है हमारा। जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर बच्चों सब्सक्राइब करें,
साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया एक टेंट है और नीचे तो उसमें क्या है बच्चों, सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया एक कोन जिसमें से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 2.1 मीटर थी, डायामीटर 4 मीटर थी। तो 4 मीटर डायामीटर की हमने रेडियस फाइंड करी 2 मीटर, सिलेंड्रिकल जो पार्ट था उसकी हाइट हो गई 2.1 मीटर, स्लेंट हाइट दे दी गई 2.8 मीटर। आपसे एरिया ऑफ कैनवास पूछा गया, यानी कि जो कैनवास को कवर करने, जो कैनवास चाहिए वो एरिया कितना कवर करें। हमने CSA निकाला और CSA हमारा 44 मीटर है। फिर भैया कहने लगा कि दुकानदार को हमको पैसे भी तो देने हैं, तो दुकानदार ने हमको रेट बताया कि भैया हम आपको जो कैनवास है देंगे 44 रुपये पर मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, हमने उनसे कहा कि 1 मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर जो अगर आप लोगे तो आपको 500 का पड़ेगा, पर हमें तो भैया चाहिए था ज़्यादा यानी 44 मीटर स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई करके दुकानदार को कितने रुपए दे दिए, 22,000 रुपए दिए। तो क्वेश्चन नंबर ये था आपका कौन सा बच्चों, 7। इसके बाद हम बच्चों चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्या कहता है आज का हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 उसको देखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, बहुत ही सिंपल से बच्चों आपके एक क्वेश्चन है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और बात करें अगर हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 12 और 17 में आया हुआ है। कब का आया है बच्चों, 12 और 17 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, तो 2012 और 2017 में ये आया हुआ है। तो चलिएगा इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ, और क्या क्या हमको क्वेश्चन में कह रहा है अब हम उसको करेंगे। तो चलिएगा ये हमने कर दिया जी हाँ रफ क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बच्चों जबरदस्त आपका ये क्वेश्चन है, इसको हमने कर दिया यहाँ रफ। चलिए जी, चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगा देंगे क्या क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। देखिए सुनिए सब बच्चे एक बार ध्यान से, कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 मीटर। हाइट कितनी है बच्चों उसकी, 2.4 मीटर है हाइट एक सिलेंडर की। आइए बच्चों हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, एक हमारा सिलेंडर हो गया जिसकी जो हाइट है कितनी है, 2.4 मीटर है बच्चों। तो हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं 2.4 मीटर। यहां तक तो बात क्लियर हो गई ना, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है डायामीटर है इसकी 1.4 बच्चों, इसकी डायामीटर कितनी है, 1.4 मीटर। ठीक, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बच्चों, इसकी जो रेडियस है कितनी हो जाएगी सर, 0.7। कितनी हो जाएगी, 0.7 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, बार बार आपको मैं समझा रहा हूं इस चैप्टर में। 0.7 मीटर क्या हो गई, ये तो सेंटीमीटर में क्वेश्चन है भाई, किसमें है ये, सेंटीमीटर में। देखो इस पर जिस बच्चे के 80 मार्क्स आने वाले होंगे ना इन यूनिट पे, उसके मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। आगे क्या कहा गया, आगे कहा यह गया कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायामीटर इज होलो आउट। इसी के अंदर क्या, एक सेम हाइट की कैविटी है बच्चों। क्या है, कैविटी। कैविटी देखो ये इस तरीके से, ओहो ये तो जो है इस तरीके से, ठीक है, कैविटी 2.4 सेंटीमीटर। चलिए 2.4 सेंटीमीटर तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया, आगे कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बताना, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आपको यहां पूछा गया। तो चलिए कोई बात नहीं,
सबसे पहले आइए डायामीटर हमको दिया हुआ था कितना था 1.4 सेंटीमीटर। हमने बच्चों इसकी रेडियस निकाल दी। जब आपने इसकी रेडियस निकाली तो बच्चों 1.4 को डिवाइड किया किससे, 2 से, डिवाइड करने पे आ गया 0.7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे सर आपने इतना बड़ा कर दिया। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, वरना मैं इसको अभी यहीं 0.7 लिख सकता था। आपको समझाने के लिए मैंने इतनी लाइनें लिखी हैं ये, ठीक है। आर क्या कहा गया है, हाइट दे दी गई है, हाइट दे दी गई कितनी 2.4 सेंटीमीटर। हाँ इसको बिल्कुल मिला सकते हैं आप, क्यों क्या प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें, देखो ऐसे मिला दीजिए, ठीक है 0.7 सेंटीमीटर, वो सॉरी 2.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर जो बात आ गई है वो ये है कि आपसे पूछा गया है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, इस पूरे का। तो आप सी एस से निकालेंगे, ध्यान रखना सी एस से ऑफ सिलेंडर, सी एस से ऑफ कॉन, और इसका जो बेस है बेस का एरिया आप निकालेंगे। तो चलिए बच्चों करना जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जो जो चीजें आप लोगों से पूछी गई हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लिखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इक्वल्स टू बच्चों, यहां इक्वल लगा देंगे है ना, आप लोग आगे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया बच्चों, सी एस ए ऑफ कौन बच्चों, यहां पर सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कौन। अब बात आ गई जो बेस है बच्चों, क्या है यहां जो बेस है उसको क्या करेंगे यहां पर हम लोग बच्चों, उसको भी तो प्लस करना होगा। यानी क्या, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर जो है, एरिया किसका, टॉप का जो सिलेंडर, देखो ये वाला एरिया सिलेंडर का, इसको भी तो प्लस करोगे। तो क्या लिखोगे बच्चों, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ गई क्या सभी को, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2πRH होता है। क्या होता है, 2πRH। सर सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है सर, पाई आर एल। बात आ गई सर एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। अब बात आ गई, यहां एल तो हमको दी हुई नहीं थी, क्या एल आपको दी हुई थी यहां पर, तो आप कहेंगे सर सही बात, एल तो हमको यहां दी हुई नहीं थी। तो एल हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करेंगे, कहां करेंगे, तो इसके बाद एच के बाद में ये आप नोट कर लेना, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आपको एल निकालना। एल निकालने का फॉर्मूला सबको पता होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर एच की वैल्यू है हमारी 2.4 का स्क्वायर कर दीजिए, आर देखे होंगे सर 0.7 है यहां हमारा, सर 2.4 का स्क्वायर तो हमको मालूम है कितना सर 5.76 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा सर 0.49 हो जाएगा, जब आप ऐड करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 9 और 6 15 4 7 11 11 1 12 5 और 1 6। अब 6.25 किसका होता है सर, ये होता है 2.5 का। तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट आपके लिए नहीं लिखेंगे, L की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जिन्होंने ये भी नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, आप उसके नीचे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आ जाइएगा। अब जो जो चीजें यहां से कुछ कॉमन भी आ रही हैं, कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको इजीली कर सकते हैं आप वैसे कर लीजिएगा। बहुत से टीचर क्या करेंगे कि अलग अलग एरिया निकलवा देंगे, जैसे क्या करेंगे, पहले कहेंगे अपने बच्चों से, बच्चों पहले सी एस ए ऑफ कौन निकाल दीजिए, फिर कहेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकाल दीजिए, फिर कहेंगे एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर निकाल दीजिए। ये टॉप इसका एरिया, टॉप तो यही है ना सिलेंडर का, कौन सा टॉप है आपको सबको मालूम है, वो भी निकालना है। तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग निकाल दीजिए और बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लिख के आप कर सकते हैं। तो पर वही है कि जैसे जिसको इजी लगता है वैसे कर दीजिए। अब मैं शुरुआत से ऐसे करवा तो मैं आपको ऐसे, बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब क्या दूसरा तरीका,
बहुत से कहेंगे सर कॉमन ले लीजिएगा, बिल्कुल कॉमन आप ले सकते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कॉमन लेने की। देखो पाई कॉमन आ जाएगा, या छोड़िए मैं तो यहाँ सीधे वैल्यू रखवा दूँ आपकी, वैल्यू रखिए सीधे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.7, एच कितना है 2.4 प्लस। अब बहुत से कहेंगे सर इतनी बड़ी वैल्यू मत रखवाओ सर, कॉमन ही ले लो। चलो भैया कॉमन ही ले लो आप, छोड़ो पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2h+l, क्या बचेगा l, क्या बचेगा r, यही तो बचा। आगे सॉल्व करते हैं, आइए देखो पाई की वैल्यू तो सबको मालूम ही है सर 22/7, सर r की वैल्यू हो जाएगी 0.7, सर 2h की वैल्यू हो जाएगी 2.4, सर l की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.5, और अगर बात करूं आर है हमारा 0.7, यही तो है। कितनी बार कैंसिल होगा सर 0.1, यहां डेसिमल था तो 22 × 0.1, 2 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.8, 2.5, 0.7, 22 की 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों 0.1, तो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा हमारा 2.2। ठीक है भाई डेसिमल है तो बीच में आ गया, 1 डिजिट से पहले ऐड करके बताइए। 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 और 7 हो जाएंगे 20, 20 का हो गया बच्चों 0, 4 और 2 6, 6 और 2 8, कितना जाएगा 8, बट डेसिमल भी तो है तो कहाँ आ गया डेसिमल यहाँ पर। तो 2.2 की मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए बच्चों 8 में, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू है नहीं, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 और 1 = 17, डेसिमल कहाँ जाएगा यहाँ पर। आपने सरफेस एरिया निकाला तो आपकी यूनिट हो जाएगी बच्चों यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पर बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा यहाँ एक चीज और बच्चों थोड़ा ध्यान दे लेना, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बताना है, क्या बताना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बताना है, तो आपको ध्यान रखना है आप 17.6 का क्या लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर क्यों लिखा सर ये आपने, ऐसा क्यों लिखा, बुक में कहा गया है आपको नियरेस्ट आंसर देना है। आप जब क्लास 5th में 7th में थे, 7th में तो नहीं है 3rd 4th 5th में थे, आपको नियरेस्ट 10th सिखाया गया और आपको ये बताया गया होगा कि बच्चों अगर आप 1.6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1.6 लिखते हैं तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों 2 लिखेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि जब 6 है तो आप देखते होंगे कि 5 आ रहा है, अगर तो 5 है या 5 से बड़ा तो नंबर क्या करते हैं हम आगे बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा है तो नीचे कम कर देते हैं। अगर यही नंबर 1.4 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं बच्चों ये 1 के इक्वल होता, ये ऐसे साइन लगाते हैं। तो ये आंसर आप लोगों का आ चुका है बच्चों, ये मत लगाना वरना आपका एक नंबर सीधे उड़ा दिया जाएगा। ठीक है तो नियरेस्ट पूछा गया था तो आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहीं हो जाता है बच्चों कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एक्सरसाइज का है ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर है 9, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, कई बार बच्चों 12, 13, 14, 18, देखिए कितनी बार आया है 12, 13, 14, 18। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्कूल में लगाएंगे, स्कूल में नहीं भाई स्कूल में मत लगाओ, बोर्ड पर लगाओ, स्क्रीन पर लगाओ। ठीक है 12, 13, 14, 18 लगाइए जल्दी कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी 12, 13, 14 और लास्ट में 18 में आया हुआ भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट का 9 नंबर है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को क्या कहा गया है वो भी देखेंगे। तो आइए बच्चों इसको हम कर देते हैं यहाँ रफ, इसको क्या कर दिया हमने यहाँ रफ करना है, और कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया, जब तक आप लोग रीड कर दीजिए और हम इसको रफ कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 नंबर,
चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा स्क्रीन पर सभी के। कहता है ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के दोनों तरफ, ईच एंड लिखा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक, क्या है ये सिलेंडर है, इसके दोनों एंड पर, इसके क्या दोनों एंड पर, देखिए इस तरीके से, दोनों एंड पर क्या है बच्चों, दोनों एंड पर एक हेमिस्फेरिकल स्कूप है, आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शो इन द फिगर। आपको फिगर बच्चों यहां पर गिविन है, फिगर क्या है बच्चों, एक गिविन है यहां पर, देखिए सब बच्चे, ठीक, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए बस, यहां पर जो दिया हुआ है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, कितनी है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, अगर ये 3.5 है बच्चों तो यहां भी तो कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई क्या सभी को? यस सर, बात हमें क्लियर हो गई है। इस लाइन को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, एक लाइन हम ऐसे, ये लाइन तो अलग है ना, ये देखिए ये रेडियस वाली लाइन हो गई हमारी। हाइट वगैरह कुछ क्या है, हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी बच्चों 10 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, हाइट हो गई। चलिए जी स्टार्ट कर लीजिएगा, जो जो चीजें गिविन है बच्चों लिखिए, गिविन हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड आपसे पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल लिखा है बुक में बच्चों, क्या लिखा है बुक में, आर्टिकल, तो हम भी आर्टिकल लिख देते हैं, एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो हम बच्चों बुक से अलग बिल्कुल नहीं, जो बुक में लिखा है ना हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सब बच्चे यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये जो आर्टिकल है पूरा का पूरा जो सॉलिड है किससे मिलके बना है बताइए, किससे मिलके ये बच्चों यहाँ पर बना है। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिलेंडर हमें दिखाई दे रहा है सर, दो या टू यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे हैं, कितने हेमिस्फेयर हैं, टू आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, हेमिस्फेयर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए बच्चों सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टू इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, देखिएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टू इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, टू पाई आर एच होता है, सिंपल सी बात सर, ये होता है हमारा कितना बताइएगा, हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर टू पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है टू पाई आर स्क्वायर, कॉमन जो आ रहा है कॉमन लीजिए टू पाई आर कॉमन लिया, एच प्लस कितना आ जाएगा सर टू आर आ गया, टू तो टू रहेगा, पाई गिवन है 27 आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5, एच हो जाएगा हमारा 10, टू इंटू आर, आर हमारा हो जाएगा बच्चों 3.5। आगे चलिए जी, अच्छा इसको सर कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करिए 7 5 35 यानी 0. कितना हो जाएगा 5, जो बच्चा लिखिए 2 22 0.5 10 प्लस 7, देखो 3.5 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, आइए मल्टीप्लाई करिए 22 2 44 इंटू 0.5 इंटू 17,
कितना आ जाएगा सर 220। अब डेसिमल देखो कितने डिजिट के पहले, एक से पहले है, यहां लगा दीजिए इनटू 7। 17 की और बच्चों 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 17 की और 22 की मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 374। कितना है? अब यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में क्वेश्चन आपका चल रहा है, 9 नंबर आपका कंप्लीट हुआ, 12, 13, 14, 18 चार बार ये बोर्ड एग्जाम में आपका यहां पर ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बच्चों ये एक्सरसाइज तो हो गई आपकी, यहां पर हो जाती है कंप्लीट। 12.2 में हमारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, कितने हैं? 8 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 8 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज थी, हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो बच्चा न्यू थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे बच्चों। उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा बच्चों कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको तुरंत के तुरंत बच्चों देख भी सकते हैं। इसको थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं सही से, ठीक है, तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी जैसे ही बुक कंप्लीट होगी, क्योंकि अब लगभग 12 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 13, 14 बस दो ही रह गए हैं बहुत सिंपल से, और उसके बाद में जो हम इतना काम शुरू करेंगे वो ज़बरदस्त होगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस, केस स्टडी, असरसर रीजन, होट्स क्वेश्चंस करेंगे देखे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करें। संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे और वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आप हमारे साथ लाइव आ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड, आप हमारे साथ शेयर कर सकते, शाम को 6 बजे ना भूलें, संडे में और वेडनेसडे में। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आप हमें मेल कर सकते हैं tiwariclasses812@gmail.com। आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेज, टेलीग्राम पेज तिवारी क्लासेज, फेसबुक पेज तिवारी क्लासेज, सभी जगह हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, और लास्ट में वही आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, आपके भविष्य की उज्ज्वल कामनाएं करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे।